हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। चलिए सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के बारे में। और क्लास 6 में सर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो देखी थी। और क्लास 6 में सर हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने चार्जिंग सेक्शन वाले नोट्स पे। और आज सर हमने एक सेकंड सर्विस जो है पढ़नी शुरू करी थी, रिवर्स चार्ज की। आज हमने सर रिवर्स चार्ज में काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर करी हैं। और सबसे पहले सर मैं बात करता हूँ आपसे आर्बिट्रेशन वाली सर्विस की। तो आर्बिट्रेशन की सर्विस जो है रिवर्स चार्ज में लिखी हुई है। यहाँ पे सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। सो अगर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है तो उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। लेकिन उससे पहले सर हमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो एग्जामिशन है वो देख लेनी चाहिए। और वो आपको गिवन है किस में, एंट्री नंबर 45 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। थोड़ी सफाई कर देता हूँ। तो ये देखिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस एंटिटी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, 20 लाख या 10 लाख से कम है, 20 लाख नॉर्मल स्टेट्स और 10 लाख आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी एग्जेम्प्ट है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी हम क्या कर देंगे, एग्जाम। आइए जरा यहाँ पे देख लेते हैं एक क्विक समरी जल्दी से। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गिविंग सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट। गिविंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी टर्नओवर विद इन लिमिट्स एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी टर्नओवर आउट ऑफ लिमिट्स टैक्सेबल, और उस पर लगेगा क्या, रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में CG, SG, LA, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एट्सेट्रा, वो भी क्या है सर जी, एग्जेम्प्ट। दैट्स इट। तो ये हमने क्या किया, 13/2017 को मिक्स करके पढ़ा 12/2017 के साथ, और इन सब की शुरुआत करी थी हमने 93 से। आइए सर अब चलते हैं सर जी आगे और सर देखते हैं दूसरा पार्ट एंटर में 45 का। लेकिन उससे पहले सर मैं बता दूं हम कौन सी सर्विस पढ़ने जा रहे हैं, लीगल सर्विसेज पढ़ने जा रहे हैं। सो बहुत आसान है, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट अगर देते हैं लीगल सर्विसेज, डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें, और वो लीगल और इलीगल सर्विसेज, सॉरी इलीगल बोल रहा हूँ, वो लीगल सर्विसेज किसको दे रहे हैं सर, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं। बोलिए किसको दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं। बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये बात आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए भी एप्लीकेबल थी। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर एंटिटी में होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, तो वहाँ पे आपका रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लीजिए, सर्विस प्रोवाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। लीगल सर्विस का मीनिंग क्या होता है, एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, टैक्स लॉज हो, कुछ भी हो, इन एनी मैटर इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। तो ACARS, एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, किसी भी नाम से हो, किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के आगे रिप्रेजेंट करने की हो, वो भी सर आपकी होती है लीगल सर्विस, राइट। सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। रिसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिजनेस एंटिटी का सिंपल सा मतलब एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस, राइट। अब इससे रिलेटेड एग्जामिशन क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आइए चलिए, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। मान लेते हैं एडवोकेट है या फॉर्म ऑफ एडवोकेट है या सीनियर एडवोकेट है, तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। कहीं पे जहाँ पे अलग करना होगा अलग कर देंगे। सो एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, अगर ये सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, पहले तो नॉन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, टर्नओवर विद इन द लिमिट्स है, तो भी सर एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, टर्नओवर आउट ऑफ लिमिट है, मतलब 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो सर जी वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, चलिए उसके बाद दोबारा कर लेंगे। गवर्नमेंट, वही CG, SG, LA, UT या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी एट्सेट्रा को दे रहे हैं, तो भी सर वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ एक कैच है कि अगर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसी और एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, राइट। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो भाई वो मान के चलेंगे कि बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, और अब अगर टर्नओवर विद इन द लिमिट है तो एग्जेम्प्ट है। टर्नओवर अगर आउट ऑफ लिमिट है, टर्नओवर ओवर द लिमिट है, टर्नओवर ओवर द लिमिट है आपका, तो वो टैक्सेबल होगी चाहे सर वो फर्म ऑफ एडवोकेट को क्यों सर्विस ना दे रहा हो, राइट। यहाँ पे मैं आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन रख देता हूँ कि अगर सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है जिसे हमने बिजनेस एंटिटी मान लिया, तो बताइए जो टैक्सेबल वाला केस है यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्की फुल्की सी कॉन्ट्रोवर्सी है इसको लेके, ऑल दो ICAI यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ, मैंने क्लास में बोला था ICAI सर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डोंट वरी एट ऑल। बट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राइट। और घबराइएगा मत, आप कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं सर ये तो समझ नहीं आ रहा, ये तो ये हो गया, ये तो बेटा ये GST है। अगर मैं आपको ये बात कैसे समझाऊँ, अभी तो 100% बनाने वालों को नहीं पता कि उन्होंने क्या बना दिया, राइट। तो हम पढ़ाने वाले और आप पढ़ने वाले कैसे पता लगाएंगे। सो येस देयर आर सम कॉन्ट्रोवर्सीज, येस देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, किसी बुक ने कुछ नहीं लिखा है, चुपचाप निकल ली है वो। बट हम लोग सर ऐसे नहीं, हम लोग इस पर चर्चा हमने क्लास में करी थी। और बस ये मैं आपको बता दूँ कि इसको लेके आप घबराएं ना। आप ये देखिए ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का बिल्कुल क्लियर है सर आपको, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जाम, बिजनेस एंटिटी टर्न ओवर विदिन द लिमिट, एग्जाम टर्न ओवर आउटसाइड द लिमिट या ओवर द लिमिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और गवर्नमेंट वाला केस में एग्जाम, तो टैक्सेबल में भी क्या लग जाएगा, इस पर रिवर्स चार्ज। आपको एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट के बाकी सारे केस क्लियर है। सिर्फ एक केस में प्रॉब्लम है जहाँ पे सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, लीगल सर्विसेज दे रहा है। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो एग्जेम्प्ट है या एग्जेम्प्ट नहीं है। हम वो एग्जाम नॉन एग्जाम कैसे देखेंगे, टर्नओवर से। अगर एग्जाम तो ठीक है, अगर टैक्सेबल है तो वहाँ पे एक चैलेंज है कि रिवर्स चार्ज या फिर फॉरवर्ड चार्ज, राइट। चलिए सर, लीजिए ये हमारी सर रिवर्स चार्ज का एक और मुद्दा जो है हमने रिवाइज कर लिया, जिसमें था हमारी लीगल सर्विसेज हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंट्री नंबर 45 हमने पूरी की पूरी कवर कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, और वो है सर हमारे पास एंट्री नंबर 4, बहुत ही आसान। स्पॉन्सरशिप दी जा रही है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी, स्पॉन्सरशिप दी जा रही है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, सप्लायर कोई भी हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस यहाँ पे सर आपका जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो सर रिवर्स चार्ज लग जाएगा, और वो भी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स अ प्लेस जहाँ पे इस एक्ट के यानी CGST एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। और याद रखिएगा वो सर कहाँ पे एप्लीकेबल है, सेक्शन 1 के हिसाब से होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। महबूबा ने भी हाँ बोल दी थी। रिवर्स चार्ज में सर सर्विस नंबर 5 जो आता है वो है CG, SG और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी की सर्विस टू अ बिजनेस, राइट। CG, SG, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी की सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी, राइट। इनके ऊपर क्या लगा दिया जी, रिवर्स चार्ज, यानी कि बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ IMP। इसको लेके एक छोटी सी अमेंडमेंट भी है नवंबर 19 के लिए। रेंटिंग ऑफ IMP अगर कर रहे हैं तो, अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ IMP कर रही है, रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी कर रही है, तो उस पर जो है रिवर्स चार्ज नहीं है, यानी कि उस पर फॉरवर्ड चार्ज है, यानी कि गवर्नमेंट पे करेगी अनलेस एंड अनटिल एग्जेम्प्ट। अभी हमने इसकी एग्जेम्पशन नहीं पढ़ी है, क्या पता एग्जेम्पशन में कहीं लिखा आ जाएगा एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब तक हम वो नहीं पढ़ लेते तब तक आप ये मान के चलिए कि अगर गवर्नमेंट IMP रेंट आउट करती है, अगर गवर्नमेंट क्या रेंट आउट करती है, IMP रेंट आउट करती है, तो उस पर रिवर्स चार्ज जो है एप्लीकेबल नहीं है। उस पर सर क्या लगने वाला है, फॉरवर्ड चार्ज लगने वाला है। अगर गवर्नमेंट और कोई सर्विस देती है तो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। और सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, फिर कुछ और सर्विस हैं जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स कर रही है, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स कर रही है, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगेन इससे रिलेटेड एग्जाम्पशन भी पढ़नी पड़ेगी हमको। देन गवर्नमेंट अगर दे रही है सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट। अच्छा एक बात बता दूँ, ये रिवीजन वीडियो है, थोड़ा फास्ट चलेंगे ना इसमें। तो भाई अगर एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कुछ सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, उस पर भी क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज लगता है। एंड देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस, तो उसके ऊपर भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बेसिक एग्जांपल, आप कभी जाते हैं और स्पीड पोस्ट करवाते हैं आप जाके, तो आप देखते हैं उसमें GST होता है। तो GST आप थोड़ी ना गवर्नमेंट को पे करते हैं, आप तो सप्लायर को यानी गवर्नमेंट को पे कर, आप तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पे कर देते हैं, और वो आगे जाके जो है वो गवर्नमेंट के साथ, रिलेवेंट डिपार्टमेंट के साथ डिपॉजिट करा देता है, राइट। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विसेज हैं जिन पर जो है GST फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। और बहुत सारी सर्विसेज भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ऐसी आएंगी जो हम एग्जाम्पशन में पढ़ेंगे, जहाँ पे सब कुछ क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है, राइट। इसके बाद गाइज हमने 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, एक 5 ही हमने और कवर कर ली थी, ये नई नई आई है। तो यहाँ पे वही CG, SG, UT, LA और कोई गवर्नमेंट की अगर अथॉरिटी है और वो दे रही है रेंटिंग ऑफ IMP टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन से सर हम लोग परेशान थे कि यार रजिस्टर्ड है फिर भी हम रिवर्स चार्ज नहीं लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सर ये चाल चली, गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर अब CGST, UTLA और गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई रेंटिंग ऑफ IMP करती है टू रजिस्टर्ड पर्सन तो उसके ऊपर जो है सर अब रिवर्स चार्ज रहेगा। हाँ जी, उसके ऊपर क्या रहेगा? रिवर्स चार्ज रहेगा। राइट, लीजिए सर, तो ये हमारा सर 5A भी हो गया कंप्लीट। यहीं तक सर हमने जो है आज क्लास में पढ़ाई करी थी। आई होप सर आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई। बाकी सर जो बच्चे हमारी क्लासेस बाय करना चाहते हैं Edu 91 पे जा सकते हैं। आप लोग सर अगर MCQs बाय करना चाहते हैं तो mockTestpapers.com पे जा सकते हैं। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।